हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी लैब। ये देखिए, टोला सेवक के बारे में जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमको, तो मैं सोचा कि इस पर फिर एक बार एक और वीडियो बना दूं। बहुत सारे बोल रहे थे कि ये फेक है, ये सही है क्या सर, ये है, ये वो है, तो मैं इसको दिखा दूं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये तो फेक है नहीं। आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको सीधे वेबसाइट पर लाइव दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। और ये बहुत सारे पेपर में भी 2-3 दिन से न्यूज में आ रहा है, तो उस पर दिखा रहा है कुछ, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ से आप इस पे लॉगिन कीजिएगा, जाइए वेबसाइट जो है, आप लोग गूगल पे लॉगिन कीजिए, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर डायरेक्शन लेटर एंड सर्कुलर, सर्कुलर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सॉरी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है डायरेक्टर लेटर और सर्कुलर पे। देखिए, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये जो है, एक सेकेंड, यहाँ से आपको मास एजुकेशन जो है, मास एजुकेशन पे क्लिक करना है। मास एजुकेशन पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे लेके आएगा। आप इस न्यूज़ को देखिए, यहाँ पे PDF दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये जो है 23/7/2018 को ये नोटिफिकेशन अपलोड हुआ था। महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अन्य अंचल योजना के तहत टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयं सेवी का चयन एवं सर्वोत्तम से संबंधित मार्गदर्शिका है। तो ये फेक नहीं है, आप लोगों को मैं अभी डाउनलोड करके बता दे रहा हूँ। अब देखिए, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो फिर से कर लेता हूँ। ये देखिए, ये ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यही मैं आप लोगों को बताया था, सॉरी। ये देखिए, मैं इसको दूसरे व्यूअर पे देखा हूँ, दूसरे PDF व्यूअर पर, उस पर जो फंस रहा था, तो देख लीजिए, ये अभी यही जो है डाउनलोड हुआ, ये PDF। इस PDF पे पहले भी हम इसी PDF के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो बता रहा था सभी लोग कि फॉर्म कहाँ फिल करना है, क्या करना है, कहाँ क्या करना है। तो ये फॉर्म जो है फिल करने का, चयन का प्रक्रिया आप देख लीजिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले इसको भर भर कौन कौन सकता है, तो ये देखिए, महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा के वर्ग भर सकता है, यानी कि जो SC और ST कैटेगरी में आते हैं वो तो भर ही सकते हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो भी भर सकते हैं इसको। ये बम्पर वैकेंसी है, तो आप इसको देख लीजिएगा इस सारे को। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्टिव में ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसको आप वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। ये देखिए, अब सभी को रहे थे कि कितना सीट है, तो ये देखिए सीट के बारे में बता रहे हैं, 20,000 है टोला सेवक का और शिक्षा स्वयं सेवी का 10,000 सीट है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी, इतना ज़्यादा वैकेंसी जो है बिहार में विदाउट एग्ज़ाम का जो है नहीं आता था कभी, और नहीं आया है। अब देखिए, चयन का प्रक्रिया यहाँ दिया हुआ है, योग्यता जो है मैट्रिक और समकक्ष होगी, इसके बारे में जो है दिया हुआ है। यहाँ पे चयन का प्रक्रिया और बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ चयन का प्रक्रिया दिया हुआ है। तो चयन का प्रक्रिया जो है, टोला सेवक और शिक्षा स्वयं सेवी नियोजन के अनुबंधन के आधार पर किए जाने हेतु संबंधित वार्ड के निर्वाचित सदस्य और अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। आपके जो वार्ड में जो होगा, जो जिस टोला के लिए आप भरिएगा, उस टोला से गठित होगा, और ये सब रहेंगे, सह संयोजक रहेंगे, 4 स्थानीय सदस्य रहेंगे, यानी कि आपके टोला के जो मैन होगा, 4 सदस्य, एक वार्ड नंबर हो गया, और उसके बाद और 3 अन्य सदस्य होंगे जो मान्य होंगे उस टोला के लिए, उसको यानी सब की सहमति से ही आपको बनाया जाएगा टोला सेवक। तो इसको आप देख लीजिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कौन कौन से सदस्य रहेंगे। अब यहाँ पे सदस्य होने वाले टोले जीविका दीदी, या फिर ये सब जो दीदी होती है टोला में, प्रखंड कार्य प्रबंधक जीविका द्वारा उसी पंचायत के किसी जीविका दीदी के सदस्य के मनोनीत किया जाएगा। पंचायत स्तर पर जो है जीविका दीदी उपलब्ध नहीं रहने पर प्रखंड की किसी भी जीविका दीदी को सदस्य के रूप में मनोनीत की जाएगी, यानी ये 10 लोग मिलकर जो है आप लोग का आपका सिलेक्शन करेगा। ये सदस्य जो है संबंधित प्रखंड के RDP भी होंगे, ये हो गया, तो आप लोग देख लीजिए। और सभी जो है सीट के बारे में बहुत से बहुत मतलब कह रहे थे कि कौन से ज़िले में कितना सीट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, तो आपको दिखा दें अभी सीट कितना है।
आप लोग सही से देख लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लें, यानी वीडियो को रोक के नहीं देखते हैं कि किस में कितना सीट है। अब सबको जो है एक एक करके बताते रहें, ये देख लीजिए आप, पटना में कितना है, भोजपुर में कितना, बक्सर में कितना है। ये टोला सेवक का जो है पटना में 736 है और शिक्षा स्वयं सेवी का 343 है। ये सभी ज़िले में है, तो आप लोग वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिए, ये सभी ज़िले में है। रोहतास में भी बहुत ज़्यादा सीट है और टोला शिक्षा स्वयं सेवी का 307 है रोहतास में। नालंदा में 509 है टोला सेवक का और शिक्षा स्वयं सेवी का 128 है। मुंगेर में भी इतना है और सबसे ज़्यादा जुमोई, जुमोई में जो है 1068 टोला सेवक है और शिक्षा स्वयं सेवी 123 है। तो आप लोग जहाँ से हैं वो भर सकते हैं। गया में भी 289 है और शिक्षा स्वयं सेवी 292 है। तो आप लोग देख लीजिए इसको जो है, वीडियो को पोस्ट पॉज करके देख सकते हैं कि आप लोगों को किस में कहाँ जितना कितना सीट है। तो आप लोग कहते हैं कि इसमें नहीं सीट है, इसमें नहीं सीट है, ये नहीं है, इस ज़िला के लिए कितना सीट है। तो सबके लिए सबसे पहले तो आप लोग पूरा देखिए, तो मैं कितना कमेंट का जवाब दे सकता हूँ। ये टोटल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 30,000, यानी दोनों को जो मिला करके शिक्षा टोला सेवक का जो 20,000 है और शिक्षा स्वयं सेवी का 10,000 है। तो ये रिक्तियाँ अभी नहीं, ये 2018 से जो है 2018 से 2019 के बीच में जो है ये रिक्तियाँ को भरी जाएगी। अब ये धीरे धीरे प्रक्रिया होगा। अभी बोल रहे हैं कि सर कब भरा रहा है, कहाँ भरा रहा है, तो ये अभी भरा नहीं रहा है, तो ये अभी भरा नहीं रहा है। ये जो है सभी गठबंधन थी कहती, ये सदस्य जो आपको 10 लोगों का जो सदस्य बनेंगे वो गठित होंगे। ये डीएम जो है आपको ये सारे मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में सूचना भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, तब ये लोग जो है आप लोग का चयन करेंगे। तो आप लोग फॉर्म भर करके सभी को रख लीजिए और ये ऐसा कीजिए। तो इस तरह से जो है फॉर्म तो आप लोग को, और एक और बता दें कि मैं अभी एक छोटा सा वो जो होता है शॉप बुक सेंटर जो होता है वहाँ पे भी मैं इस फॉर्म को जो है अवेलेबल, जो एडवर्टाइजमेंट जो चिपका रहता है वो लोग फॉर्म बेचते हैं, उस पर भी मैं जाके देखा था, तो ये इतना ही 30,000 वैकेंसी था। तो सब बोल रहे थे कम है कम है, लेकिन जी नहीं, उस एडवर्टाइजमेंट में भी 30,000, वहाँ से फॉर्म उपलब्ध है और वो भी बता रहे हैं कि ये रियल बात है। तो आप लोग फेक नहीं समझिए इसको, आप वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट में दिखा रहा हूँ और फिर भी आप बोल रहे हैं कि फेक है। किसी ने तो भाई गाली भी दे दिया कि ऐसा ऐसा ये फेक है। तो ये सब आप लोग गलत बात नहीं बोलिए और ये फेक नहीं है, ये सब रियल है। आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं ले जाके दिखा दिया हूँ। और एक और बात, मैं चयन का जो है अभी पेपर न्यूज़ में जो है वो दिखा दे रहे हैं, अभी जो पेपर न्यूज़ में चल रहा था वो दिखा दे रहे हैं, तो देख लीजिए। ये देखिए सभी पेपर में वैसे न्यूज़ चल रहा है। ये दैनिक जागरण में भी मैं एक दिन देखे तो ये दैनिक भास्कर का जो रिपोर्ट है ये देख लीजिए कि टोला सेवक के शिक्षा स्वयं सेवी का चयन एक कमेटी करेगी। इस कमेटी की वार्ड में जो है वार्ड निर्वाचित वार्ड सदस्य अध्यक्ष होंगे। ये दिया हुआ जो वार्ड का जो है ये निकटवर्ती स्कूल के हेडमास्टर संयोजक होंगे। वार्ड की महादलित और दलित व अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़ा वर्ग जो है पिछड़ा वर्ग के चयनित के 4 लोग सदस्य होंगे। जो हम मैं आपको बताया कि आपके टोला के जो 4 लोग सदस्य होंगे वो जो है यहाँ पे दिया हुआ पिछड़ा वर्ग के चयनित 4 लोग सदस्य होंगे। और इसमें जो है इसमें 2 महिलाएँ होगी, इसके अलावा 3 और लोग इस कमेटी में रहेंगे। कुल 9 लोग जो है आपको इस कमेटी के जो है अध्यक्षता करेगी या आप लोग की चयन करेगी। तो ये देख लीजिए, आप लोग जो है कह रहे थे ये फेक है, ये फेक नहीं है, तो ये सारे फेक नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ रियल। अभी तक जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो रियल बताता हूँ, सबके तरह नहीं कि 2 दिन बाद। तो चलिए, अगर अभी तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी आपके जो है टोला रिश्तेदार हो उस लोग को शेयर कर दीजिए इस वीडियो के बारे में, और इसे बताइए कि ये फॉर्म जो है फिल हो रहा है। अगर आप लोग के जो है जान पहचान में भी हो, कोई भी हो, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।